हे गाइस वेलकम टू द स्टडी विद मयंक मैं हूं आपका मयंक आज हम लोग टेस्ट थ्री के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन के प्रश्नों को देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है सशस्त्र बलों के लिए मूल अधिकारों की प्रयोज्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पूछा गया है कौन सा कथन सही है पहला है संसद द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है किंतु उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता अगला है सशस्त्र बलों के सदस्यों की अव्यक्ति में न केवल सैनिक बल्कि असैनिक कर्मचारी जैसे मैकेनिक भावर्ची आदि भी शामिल हैं संविधान के आर्टिकल 33 में यानी तैतीस में संसद को सशस्त्र बलों अर्धसैन्य बलों पुलिस बलों खुफिया एजेंसियों और समरूप बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित और निरस्त करने का अधिकार है यानी कि यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे लिखा गया है कि ये संसद इन्हें प्रतिबंधित कर सकती है लेकिन निरस्त नहीं कर सकती कि संसद इन्हें प्रतिबंधित भी कर सकती है और निरस्त भी कर सकती है तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा अनुच्छेद तैतीस के तहत संसद संशस्त्र बलों से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है और ऐसा अधिकार संसद के पास है राज्य विधानमंडल इसके संदर्भ में कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं आर्टिकल थर्टी थ्री के तहत जो मैंने नाम बताए हैं सशस्त्र बल अर्धसैन्य बल पुलिस बल खुफिया एजेंसियां या फिर समरूप बल इनके संबंध में कोई भी कानून संसद बना सकती है कोई राज्य सरकार इसके संदर्भ में कानून नहीं बना सकती है इसके अलावा संसद द्वारा इनके लिए निर्मित कोई भी कानून जो है किसी प्रकार की किसी भी विधि को किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है यानी कहने का मतलब यह है कि संसद इनके संबंध में अगर कोई कानून बनाती है और उस कानून से जो यहां के सशस्त्र बलों के जो भी लोग हैं यानी जो भी सशस्त्र बलों के सैनिक हैं उनके अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और वो ये सोचें कि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक याचिका दायर करें तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं इसमें पहले प्रतिबंधित कर दिया गया है सेकेंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है सशस्त्र बलों के सदस्य की अव्यक्ति से अभिप्राय जो है सशस्त्र बलों के उन कर्मचारियों से है जो सेना में नाई बढ़ई मैकेनिक बाबरची चौकीदार बूट बनाने दर्जी आदि का कार्य करते हैं और जो गैर लड़ाकू हैं यानी सैनिक कर्मचारी के अलावा असैनिक कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं तो आपका यहां पर सेकंड वाला कथन केवल सही है तो सही आंसर है पहले का बी वाला यानी केवल सेकंड। दूसरा प्रश्न है अब आपका भारत सरकार अधिनियम अट्ठारह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पहला है इसके तहत राज्य सचिव का नया पद सृजित किया गया था अगला है इसके तहत निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया था अगला है वायसराय को भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना दिया गया था अठारह के अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाले अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियों को ब्रिटिश राजशाही को स्थानांतरित कर दिया तो यहां पर इसकी विशेषताएं बताई गई हैं इनमें तो इसके तहत नए पद भारत का राज्य सचिव सज्जित किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन का पूर्ण अधिकार और नियंत्रण की शक्ति निहित थी तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है इसके नियंत्रण बोर्ड यानी कि जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है और निदेशक मंडल जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है इसको समाप्त करके द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है देखिए इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वाइसराय कर दिया गया और वह भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था और इस प्रकार आप ये देखेंगे लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने तो यहां पर आपका तीसरा कथन भी सही है यहां पर तीनों ही कथन आपके सही हैं तो आंसर है आपका सेकंड का डी यानी एक दो और तीन तीसरा प्रश्न है आपका लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है यह आपको बताना है पहला है यह सरकार का एक रूप है जो आर्थिक विकास की गारंटी देता है अगला है यह सामाजिक विविधता को बढ़ावा देने तथा तो समायोजित करने का प्रयास करता है अगला है इसका उद्देश्य अपने नागरिकों की गरिमा एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है देखिए लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र के संदर्भ में अगर हम सरकार के रूप को अगर देखें तो लोकतंत्र सरकार का एक रूप है इसमें लोगों को अपने सासी विधायकों को चुनने का अधिकार होता है अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर बात हो रही है कि सरकार का एक रूप है जो आर्थिक विकास की गारंटी देता है अब आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे देश की जनसंख्या वैश्विक परिस्थिति इसके अलावा हम यह नहीं कह सकते हैं कि लोकतंत्र आर्थिक विकास की गारंटी देता है यानी कि यहाँ पर हम ये बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि लोकतंत्र अगर होगा तो आर्थिक विकास भी होगा आर्थिक विकास लोकतंत्र पर ही निर्भर नहीं करता है बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है तो उस हिसाब से आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा सेकंड वाले कथन की अगर हम बात करें तो गैर लोकतांत्रिक शासन में प्राय आंतरिक सामाजिक मतभेदों को या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर उन्हें दबा दिया जाता है लोकतांत्रिक प्रणाली सामान्यतः विभिन्न सामाजिक विभाजनों को समायोजित करने हेतु प्रक्रियाओं का विकास करती है जिससे सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन के निर्माण की अधिक संभावना होती है इस वजह से यहां पर आपका सेकंड वाला कथन आपका सही हो जाएगा लोकतंत्र को व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा हे, देने हेतु सरकार के किसी अन्य रूप से अधिक बेहतर माना जाता है तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है यहां पर आपका सेकंड और थर्ड कथन सही है तो आपका सही आंसर है यहां पर तीसरे का भी केवल दो और तीन चौथा प्रश्न है बाप का संविधान सभा की समितियों एवं उनके अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा युगम सही सुमिलित है एक तरफ समिति है और दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष हैं संघीय संविधान समिति बी आर अंबेडकर संचालन समिति जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति राजेन्द्र प्रसाद देखिए संघ शक्ति समिति जो है इसके प्रमुख जवाहरलाल नेहरू थे इसके अलावा जो संघीय संविधान समिति है इसके प्रमुख भी जवाहरलाल नेहरू ही थे तो यहां पर आपका पहला वाला और तीसरा वाला तो अपने तो आप गलत हो गया संचालन समिति की बात करें तो संचालन समिति के प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी गलत है बी आर अंबेडकर डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के प्रमुख थे तो यहां पर आपके तीनों के तीनों ही युगम गलत हैं तो आपका आंसर होगा यहां पर चौथे का डी यानी उपरुक्त में से कोई नहीं पांचवा प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान की मूल संरचना के तत्व माने जा सकते हैं आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है स्वतंत्रता एवं व्यक्ति की गरिमा संविधान में संशोधन हेतु संसद की सीमित शक्ति संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप देखिए केशवानंद भारती मामले में 1973 में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना या फिर आधारभूत विशेषताओं के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया लेकिन इसमें भी एक कह सकते हैं गड़बड़ है गड़बड़ ये है कि अब तक मूल संरचना में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं ये बात स्पष्ट नहीं की गई है हालांकि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करता है कि मूल संरचना में किन किन भागों को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा लेकिन इसके बारे में अभी प्रॉपर कोई लिस्ट नहीं आई है यह भी जान लीजिए तो यहां पर आप देखेंगे इसमें संविधान की सर्वोच्चता है भारतीय राजव्यवस्था की संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक प्रकृति है संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है तो यहां पर आपका तीसरा वाला सही है इसके में विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण भी है इसमें संविधान का संघीय स्वरूप भी है न्यायिक पुनरावलोकन भी है व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की भी बात की गई है तो यहां पर आपका पहला वाला सही हो जाएगा मौलिक अधिकारों एवं नीति निशक तत्वों के बीच सौहार्द और संतुलन की भी बात कही गई है इसके अलावा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की बात कही गई है संविधान में संशोधन हेतु संसद की सीमित शक्ति की बात भी हुई है तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है यहां पर आपका एक दो और तीन तीनों ही सही है तो आपका सही आंसर है पांचवे का डी यानी एक दो और तीन छठवा प्रश्न है आपका भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पूछा गया है कौन सा कथन सही है पहला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद छिहत्तर में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है अगला है वह भारत के सॉलिसिटर जनरल के अधीनस्थ होता है तथा उसकी सहायता करता है देखिए एक आम भाषा में समझ सकते हैं आप महान्यायवादी का मतलब क्या है बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि सरकार के खिलाफ दायर किए जाते हैं तो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग हर किसी व्यक्ति को अपना पक्ष रखना पड़ता है यानी कि चाहे वो अपराधी हो या ना हो वादी हो या ना हो हर किसी को अपना अपना पक्ष रखना पड़ता है तो सरकार के खिलाफ जो वो वाद दायर किए जाते हैं तो सरकार भी अपना पक्ष रखवाती है तो सरकार का जो वकील है हम कह सकते हैं वकील जो कि महान्यायवादी के रूप में हम जानते हैं तो ये सरकारी वकील होता है एक तरह से क्योंकि सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ या हाई कोर्ट में मजबूती के साथ रखता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद छिहत्तर में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है और यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वहीं बात की जाए भारत के सॉलिसिटर जनरल की तो सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी को उसके आधिकारिक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता करता है यानी कहने का मतलब क्या है आपके महान्यायवादी के नीचे सॉलिसिटर जनरल होता है तो यहां पर ये वाला सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि सॉलिसिटर जनरल जो है यह महान्यायवादी का अधीनस्थ है ना कि महान्यायवादी इनके अगर हम बात करें तो आपका जो सॉलिसिटर जनरल है यह दूसरा सर्वोच्च पिद अधिकारी है और यह महान्यायवादी की सहायता करता है सॉलिसिटर जनरल की सहायता भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के द्वारा की जाती है तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है तो आपका सही आंसर है छठे का ए वाला केवल एक सातवां प्रश्न है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है पहला है यह अनुसूचित जातियों और आंग्ल भारतीय समुदायों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करता है अगला है यह अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों के समावेशन या बहिष्करण को निर्दिष्ट करता है अगला है यहां पर यह राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा उपायों पर किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है देखिए एनसीएससी की बात हो रही है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के अनुच्छेद तीन सौ अड़तीस का जो आर्टिकल तीन सौ अड़तीस है इसके द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 2004 में अस्तित्व में आया था यानी कि जो ये अस्तित्व में आया है सन 2004 में अस्तित्व में आया है और इसे नवासी में संवैधानिक संशोधन अधिनियम दो के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजात आयोग से पृथक कर दिया गया है एनसीएससी में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य शामिल होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा की जाती है यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है यह अनुसूचित जातियों और आंग्ल भारतीय समुदायों के सदस्यों को शोषण के विरुद्ध रक्षोपाय प्रदान करता है तो पहला वाला कथन यह बिल्कुल सही है सेकंड वाला कथन यहां पर सही नहीं है यहां पर बताया गया कि यह अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों के समावेशन या बहिष्करण को निर्दिष्ट करता है यह सही नहीं है यह सारी चीजें राष्ट्रपति निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में किन जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में माना जाएगा तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना से किसी भी जाति का समावेशन या बहिष्करण केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है तो यहां पर इस संदर्भ में जो इसकी भूमिका है यानी एनसीएससी की जो भूमिका होगी वो केवल सलाहकार की भूमिका होगी ये समझ लीजिए आप तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा तीसरा वाला कथन आपका सही है एनसीएससी राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से जब भी आवश्यक हो अनुसूचित जातियों और आंग्ल भारतीयों की सुरक्षा उपायों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है यह अनुसूचित जातियों के संरक्षण कल्याण और विकास से संबंधित ऐसे अन्य प्रकारों का निष्पादन भी करता है और राष्ट्रपति को निर्दिष्ट भी करता है तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है एक और तीन कथन आपका बिल्कुल सही है तो आपका सही आंसर है सातवें का सी केवल एक और तीन आठवां प्रश्न है आठवासी में संवैधानिक संशोधन अधिनियम सन सं 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस या किन में अनुच्छेदों को अंत स्थापित किया गया था मूल कर्तव्य मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है देखिए छियासी में संवैधानिक संशोधन अधिनियम सन दो के दो के द्वारा आपका संविधान का जो भाग चार ए है और चार ए का जो अनुच्छेद इक्यावन ए है जिसमें कि आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं पहले फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी हुआ करती थी दस हुआ करती थी लेकिन छियासी में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के जरिए इसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड कर दिया गया और इसके अनुसार यह है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वह छः से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें तो ये मूल कर्तव्य में भी एक प्रावधान जोड़ा गया यानी एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया अब बात करते हैं मूल अधिकार की तो देखिए छियासी में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान के भाग तीन में शामिल किया गया और इस तरह से अनुच्छेद इक्कीस ए के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को यहाँ पर शामिल किया गया है शिक्षा के अधिकार को अंत्यस्थापित किया गया है इसमें यह कहा गया है कि राज्य छ वर्ष से लेकर चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा तो यहां पर यह मूल अधिकार में भी एक उपबंध जोड़ा गया है इक्कीस ए वाला और इक्यावन ए में एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया है यह भी बात सही है अब बात कर लेते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों में इनमें क्या जोड़ा गया है देखिए इस संशोधन के द्वारा संविधान के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 को और जोड़ा गया है यानी आर्टिकल 45 को इसमें जोड़ा गया है इसमें उपबंधित किया गया है कि राज्य सभी बालकों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा यानी जो आंगनवाड़ी वाला जो प्रयास है बालवाड़ी वाला प्रयास है वो अनुच्छेद 45 में और जोड़ा गया और अनुच्छेद 45 डीपीएसपी के अंतर्गत आता है यानी हम कह सकते हैं कि इन तीनों में ही उपबंध अंत स्थापित किए गए हैं तो यहां पर आपका सही आंसर है में का डी वाला इसकी स्थापना वर्ष उन्नीस में एक सांविधिक निकाय के रूप में हुई थी अगला है इसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर स्थापित किया गया था अगला है इसका अधिकार क्षेत्र संघ के कार्यों के संबंध में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों तक विस्तृत है देखिए सी एक शीर्ष सतर्कता संस्थान है और यह केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी भ्रष्टाचार गुण कत् को रोकता है इसकी स्थापना उन्नीस में की गई थी लेकिन जिस समय स्थापित किया गया था उस समय केंद्र सरकार द्वारा पारित एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा यह स्थापित किया गया था उस समय ना तो यह संवैधानिक था और ना ही यह सांविधिक तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा हालांकि सन 2003 में सीबीसी अधिनियम पारित करके इसको सामुदिक दर्जा प्रदान किया गया है यानी वर्तमान में इसको सामुदिक दर्जा मिला हुआ है यानी जिस समय स्थापित हुआ था उस समय ना तो यह संवैधानिक था और ना ही यह सामविधिक अब देखिए संवैधानिक और सामुदिक में अंतर अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं संवैधानिक का मतलब है कि संविधान में जो आर्टिकल दी गए दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग स्थापित कोई निकाय जैसे आपने अनुच्छेद तीन के तहत अभी देखा था अनुच्छेद तीन के तहत आपने जो आपका एनसी ऐसी था वो आपने देखा था वो तीन में वो संवैधानिक निकाय है सामुदिक का मतलब है कि कोई, कानून कर, कोई के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की अनुशंसा पर स्थापित किया गया था यानी कि इसको स्थापित करवाने के पीछे के संथानम की अध्यक्षता वाली एक समिति है उसकी अनुशंसा रही है तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है इसका अधिकार क्षेत्र संघ के कार्यों के संबंध में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों केंद्र सरकार के समूह के का के अधिकारियों सार्वजनिक क्षेत्र के 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 बैंकों और और श्रेणी वी उसके ऊपर स्तर अधिकारियों आज तक यह विस्तारित है तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है केवल एक और दो सही नहीं है तो आंसर है आपका नौका बी केवल एक और दो दसवा प्रश्न है आपका अनुच्छेद तीन के अंतर्गत संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पूछा गया है कौन सा कथन सही है पहला है संविधान संशोधन विधेयक को किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश नहीं किया जा सकता अगला है विधेयक को प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है अगला है संशोधन विधेयक के प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है भारत का संविधान बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को समायोजित करने के उद्देश्य से संशोधन का प्रावधान करता है तो यहां पर जो संशोधन का प्रावधान है ये अनुच्छेद तीन के अंतर्गत दी हुई प्रक्रिया के अंतर्गत यह किया जाता है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का आरंभ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है लेकिन राज्य के विधानमंडल में बिल्कुल भी नहीं तो यहां पर आप ये देखेंगे कि विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है अब यहां पर लिखा हुआ है कि गैर सरकारी सदस्य के द्वारा पेश नहीं किया जा सकता उस हिसाब से यह पहला वाला कथन गलत हो जाएगा विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है यहां पर साधारण बहुमत की बात हो रही है तो यह सेकंड वाला भी गलत है इसका मतलब यह है कि विधेयक सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा अब देखिए यहां पर तीसरा वाला कथन है कि संशोधन विधेयक के प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है देखिए यहां पर आप देखेंगे दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक पर विचार करने और पारित करने का इस संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है यहां पर एक और दो कथन गलत है और यहां पर आपका तीसरा वाला सही है तो यहां पर सही आंसर होगा दस का बी वाला यानी केवल थर्ड ग्यारहवा प्रश्न है बाप का भारतीय परिषद अधिनियम अठारह द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान प्रदान किए गए थे आपको का का प्रयोग करके सही उत्तर चयन करना है। पहला है, पहला इसने वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की संस्कृति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की इसने विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की अगला है इसने बंबई और मद्रास प्रेजिडेंसी की विधायी शक्तियों को हाल कर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की देखिए भारतीय परिषद अधिनियम अठारह भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था इसके द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत भी हुई इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास पी की विधायी शक्तियों को बहाल कर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की इसने वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की संसद के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया तो यहां पर आपका पहला वाला कथन भी सही है सेकंड वाला कथन भी सही है और तीसरा वाला कथन भी सही है यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं तो आपका आंसर है का डी यानी एक दो और तीन बारहवा प्रश्न है बाप का मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है पहला है मूल कर्तव्यों को कुछ अन्य विधिक प्रावधानों के माध्यम से लागू किया जा सकता है अगला है ये विधि की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने में न्यायालयों की सहायता करती है अगला है भारत में निवास करने वाले विदेशियों के लिए मूल कर्तव्यों को विस्तारित कर किया जा सकता है अगला है संप्रभुता की रक्षा करना और उसे अक्षुण रखना एक मूल कर्तव्य है मूल कर्तव्य विधि द्वारा प्रवर्तनीय है संसद किसी भी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने के लिए उचित दंड देने का प्रावधान कर सकती है 1999 में, में जस्टिस वर्मा समिति ने कुछ मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए विधिक प्रावधानों को निर्धारित करने की अनुशंसा की तो यहां पर आपका ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है मूल कर्तव्य किसी विधि की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करने और उनका परीक्षण करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं तो ये वाला भी आपका बी वाला भी सही है उन्नीस में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करने में यदि वह विधि किसी मूल कर्तव्य को कार्यान्वित करती है तो ऐसी विधि को अनुच्छेद चौदह यानी जिसको विधि के समक्ष समानता बोलते हैं और अनुच्छेद उन्नीस इसमें स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं के संबंध में युक्ति युक्त माना जाएगा तो इस विधि को असंवैधानिक नहीं कहा जाएगा यानी कह सकते हैं कि ये विधि को संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं ये मैं नहीं बोल रहा हूं ये उन्नीस सौ में, में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अब यहां पे बोला गया कि भारत में निवास करने वाले विदेशियों के लिए मूल कर्तव्यों को विस्तारित किया जा सकता है मूल कर्तव्य केवल देश के नागरिकों तक ही सीमित है विदेशियों के लिए विस्तारित नहीं है तो यहां पर आपका सी वाला कथन गलत हो जाएगा डी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है कि भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षण रखना एक मूल कर्तव्य है तो यहां पर आपका डी वाला भी सही है यहां पर आपका जो गलत आंसर है वो है बारे का सी वाला यानी बारे का सी वाला कथन गलत है तेरहवा प्रश्न है आपका किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना निम्नलिखित में से किस परिस्थिति या किन परिस्थितियों में अनुचित होगा पहला है आम चुनावों के बाद संघ विधानसभा की स्थिति में जहां एक मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है और कोई अन्य दल बहुमत के आधार पर सरकार बनाने में सक्षम ना हो भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण राज्य में व्याप्त कुशासन देखिए यहां पर थोड़ा शब्दों का फेर है अगर इन शब्दों को फेर को आप समझ लेंगे तो आप अपना प्रश्न सही करके आएंगे और इसमें अगर उलझ जाएंगे तो आप अपना प्रश्न गलत करके आएंगे अब देखिए यहां पे अनुचित लगा है अगर यहां पे उचित लगा होता कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाना उचित होगा तो ऐसे में आपका एक और दो विकल्प सही हो जाते अब चूंकि अनुचित की बात हो रही है तो यहां पर अनुचित वाला विकल्प कौन सा है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे उचित में तो ऐसे लग जाता है कि जब आम चुनाव के बाद विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है यानी त्रिसंक विधानसभा की स्थिति होती है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है जब एक मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है और कोई अन्य दल बहुमत के आधार पर सरकार बनाने में सक्षम नहीं होता है तो भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है लेकिन ये उचित परिस्थितियों में है यहां पर अनुचित परिस्थितियों की बात हो रही है अब उचित परिस्थितियों के हिसाब से तो ये सही हो जाएंगे पहले और दूसरे विकल्प लेकिन अनुचित परिस्थितियों के हिसाब से पहले और दूसरे विकल्प गलत हो जाएंगे अब यहां पर जो सही वाला विकल्प होगा वो केवल तीसरा वाला होगा अनुचित के हिसाब से कि कहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना अनुचित है भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण राज्य में व्याप्त कुशासन में राज्य में व्याप्त कुशासन अथवा मंत्र प्रसद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप या राज्य की कठोर वित्तीय आपदा की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाना अनुचित होगा तो यहां पर आपका आपका केवल केवल तीसरा वाला वाला कथन सही सही है तो आपका सही है तो आंसर का का बी थर्ड आई होप आप शब्दों जो फेर है वो समझ गए होंगे शब्दों के फेर में ही उलझकर कई बार आप प्रश्न गलत कर आते हैं तो यहां पर आपका सही आंसर है तेरह का बी वाला चौदहवा प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन उन्नीस में गठित अंतरिम सरकार के सदस्य थे लियाकत अली खान सरदार पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखिए भारत की अंतरिम सरकार का गठन वर्ष उन्नीस में हुआ था इसमें ब्रिटेन के वायसराय एवं कमांडर इन चीफ तथा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अन्य सदस्य भी शामिल थे इस सरकार का गठन ब्रिटिश भारत के और भारत और पाकिस्तान में सत्ता हस्तांतरण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था यहाँ सदस्यों में कौन कौन शामिल है वो भी आप जान लीजिए उपाध्यक्ष यहां पर जवाहरलाल नेहरू थे सरदार पटेल थे इसमें शामिल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जॉन मथाई थे जगजीवन राम थे सरदार बलदेव सिंह थे सी राजगोपालाचारी थे और लियाकत अली खान थे यानी ये तीनों ही लोग इसमें शामिल थे तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चौदह का डी यानी एक दो और तीन पंद्रहवा प्रश्न है अब आपका निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से एक लोकतांत्रिक देश में संविधान के कार्य हैं आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है पहला है यह सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करता है यह राजनीतिक आत्मनिर्णयन के साधन के रूप में कार्य करता है यह शांतपूर्ण तरीके से सामाजिक बदलाव लाने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है देखिए कई बार क्या होता है सरकार बहुमत पाकर निरंकुश हो जाती है तो लोकतंत्र तो में एक साधन है कि हर पांच साल में आपके यहाँ इलेक्शन होते हैं और जब चाहें तो आप सरकार बदल सकते हैं तो ऐसे करके यह सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करता है लोकतंत्र तो पहला वाला कथन यह बिल्कुल सही है यह राजनीतिक आत्मनिर्णय के साधन के रूप में कार्य करता है आत्मनिर्णय से अप्राय यह है कि हमारा देश लगभग दो सालों तक औपनिवेशिक शासन के अधीन रहा है और उस समय जो भी काम होता था वो ब्रिटिश की हुकूमत की वजह से होता था यानी जो अंग्रेज थे अंग्रेजों के दम पर होता था लेकिन अब हम संप्रभु हो गए हैं हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है हम स्वतंत्र रूप होकर निर्णय ले सकते हैं स्वतंत्र होकर कानून बना सकते हैं तो यह राजनीतिक आत्मनिर्णय के साधन के रूप में कार्य करता है तो यहाँ पर सेकेंड वाला कथन भी सही है अगला है यह शांतपूर्ण तरीके से सामाजिक बदलाव लाने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है ये वाला भी कथन सही है कि संविधान हमें गहन सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शांतपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है तो यहां पर आपके तीनों ही कथन सही है तो आपका सही आंसर है पंद्रह का डी एक दो और तीन तो ये था हमारा आज का वीडियो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें तो चलिए आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद